नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लाई झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड में शिक्षा को विस्तार देने और गरीब परिवार के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार कई पहल कर रही है। दसवीं और बारहवीं पास गरीब परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर दे रही है ताकि बच्चे इंजीनियर, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, लॉ आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कर रही है। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। सरकार की इस योजना से वैसे बच्चे जो पहले धन के अभाव में उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे अब जो है उससे वंचित नहीं रहेंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए वे अपना भविष्य गढ़ने का सपना साकार कर सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि झारखंड राज्य में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इसी उद्देश्य से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। बच्चों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सके। जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका। विलम्ब शुल्क के साथ इस तारीख तक जमा करें आवेदन। झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 4 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विलम्ब शुल्क के साथ जमा लिया जा रहा है। जनवरी के अंत तक जैक द्वारा परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं और 12वीं का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2024 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी है। सीओ 5 जनवरी तक फॉर्म सत्यापित कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल में ली जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है। आप सबको बता दूं कि जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने के बाद तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा जबकि मई के अंतिम सप्ताह से 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जैक परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। कई जिलों ने इससे संबंधित रिपोर्ट जैक को सौंप दी है। झारखंड के 27,000 युवाओं का भविष्य संवारेगी हेमंत सोरेन सरकार की एकलव्य प्रशिक्षण योजना। खर्च 190 करोड़। हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस दौरान सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पेश की है। ऐसे ही एक योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। सरकार का कहना है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने में यह योजना कारगर साबित होगी। इस योजना पर सरकार 190.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले झारखण्ड के 27,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। लाभार्थियों की स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाले महागठबंधन सरकार ने कहा है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उचित माध्यम प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से झारखंड के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीब विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियों मसलन बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ए, बी और सी ग्रेड में होने वाले भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की व्यवस्था झारखण्ड सरकार की ओर से की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को सौंपा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। अवैध खनन मामले में पूछताछ के दौरान मांगी थी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को सौंप दिया है। हालांकि श्री सोरेन द्वारा दिए गए ब्यौरे को ईडी ने गोपनीयता बताते हुए उसकी जानकारी देने से इनकार किया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि ब्यौरे की जाँच अभी नहीं की गई है, जाँच के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है।
श्री सोरेन के चुनावी हलफनामा और ईडी को दिए गए ब्यौरे में अंतर होने या दोनों के एक ही होने पर भी अधिकारियों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। आप सबको बता दूं कि इसी वर्ष 17 नवंबर को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ की थी। लगभग 10 घंटों तक की गई पूछताछ के दौरान ईडी ने उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी थी। दिल्ली से आए ईडी के वरीय अधिकारी ने श्री सोरेन से अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई विषयों पर सवाल किए थे। उनसे अवैध खनन रोकने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली गई थी। मुख्यमंत्री से उनके आर्थिक स्रोत, संपत्ति और बैंक खातों के बारे में भी पूछा था। पंकज मिश्रा को अवैध खनन के लिए संरक्षण देने और उसके न्यायिक हिरासत में रहते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के मामले में भी मुख्यमंत्री से पूछताछ की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर मिले 41-47 और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खनन पट्टा लेने से संबंधित मामलों पर भी श्री सोरेन से सवाल किया गया था। हालांकि ईडी ने अब तक अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री से हुई पूछताछ में मिले तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। ST SC अल्पसंख्यक के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए झारखंड को 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय की सौगात। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्रदेश में 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय बने हैं। ये आवासीय विद्यालय बिहार की सीमा से सटे चतरा जिला के अलावा उप राजधानी दुमका में भी खुले हैं। गिरिडीह, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिला में भी एक एक एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। झारखंड प्रदेश में 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण पर कुल 72 करोड़ रुपए खर्च आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखण्ड स्थापना दिवस पर इन 7 आवासीय विद्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। जिन आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया उनमें चतरा जिला के कंचन चट्टी प्रखंड में 1, दुमका जिला के काठकुन प्रखंड में 1, गिरिडीह जिला के पिरटाण ब्लॉक में 1, लातेहार जिला के लातेहार ब्लॉक में 1, पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डूंगी ब्लॉक में 1, पूर्वी सिंहभूम के बुराम प्रखंड में 1 और गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में 1 आवासीय विद्यालय शामिल है। रांची में 4 डिग्री तापमान गिरने से बड़ी ठंड। जानिए नए साल में आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले कई दिनों से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर सर्दी का एहसास होने लगा। पिछले 24 घंटे के दौरान ही राजधानी रांची के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं डाल्टनगंज का तापमान 6.2 डिग्री तक गिर गया। रामगढ़ के न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं बोकारो में 5 डिग्री की गिरावट आई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने बुधवार को बताया कि प्रदेश के उत्तरी तथा मध्य झारखंड यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में अगले 2 दिन के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी झारखंड यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। इसके बाद जो है 3 दिन में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इसमें 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान ने बताया कि सुबह में धुंध रह सकती है, यह स्थिति नए साल तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी तक सुबह के वक्त कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। राजधानी रांची में भी 1 जनवरी तक सुबह में धुंध का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान 1 जनवरी 2023 तक 8 डिग्री से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। आप सबको बता दूं कि पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना था। इसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं ने ठंड को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस चक्रवात की वजह से पहाड़ों से आने वाले ठंडी हवाओं की रफ्तार भी थम गई थी। फलस्वरूप इसी के कारण जो है रांची समेत कई जिलों में ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा था। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। अब जो है फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। 8000 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कोचिंग पर हर साल 122 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हेमंत सोरेन की सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना तैयार की है। तो वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत करने की योजना है। इसके तहत हर साल 8000 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देगी। इस योजना पर सरकार हर साल 122 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उनकी सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित इंजीनियर, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में दाखिले की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। झामुमो की भाजपा और आजसू को चुनौती, रामगढ़ उपचुनाव में रघुवर दास को प्रत्याशी बनाकर दिखाएं।
झामुमो ने भाजपा और आजसू को रामगढ़ उपचुनाव में पूर्व सीएम रघुवर दास को प्रत्याशी बनाने की चुनौती दी। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा आजसू गठबंधन को रामगढ़ उपचुनाव में पूर्व सीएम रघुवर दास को प्रत्याशी बनाकर चुनावी नतीजे से जनता का मिजाज भापना चाहिए। रामगढ़ की जनता इस बार भाजपा और आजसू को 56,000 वोटों को लोकतांत्रिक तमाचा देगी। हरमू स्थित पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वर्ष 2023 का साल न केवल कोरोना का बल्कि राजनीतिक साजिश का काल हो सकता है, लेकिन हेमंत सरकार हर संकट का सामना करने को तैयार है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल बड़ी उपलब्धि है। 29 दिसंबर को यानी कि आज जो है सरकार के 3 साल यानी कि 1100 दिन पूरे होंगे। इन 1100 दिनों में हेमंत सरकार केवल 500 दिन ही काम कर सकी है, बाकी 600 दिन कोरोना संकट और 4 उपचुनाव की वजह से लगे आचार संहिता में बीत गए। काम के 500 दिनों में हेमंत सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। झारखंड के स्कूलों में दिया जाएगा योग का प्रशिक्षण, जाने क्या है इसका उद्देश्य। स्कूली बच्चों को योग के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य के स्कूलों में योग प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कुल 15,215 स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। स्कूलों के बच्चे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योग एम्बेसडर से 1 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आयुष निदेशालय के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। योजना के तहत सबसे ज्यादा 1,366 स्कूल प्लामो के और इसके बाद 1,280 स्कूल ग्रीडी के शामिल किए गए हैं। आप सबको बता दूं कि जिला के उपायुक्तों और सिविल सर्जन को जारी आदेश में बताया गया है कि योग प्रशिक्षण का सत्र 4 पालियों में आयोजित होगा, जिसका पहला सत्र 7 से 11 जनवरी 2023 तक चलेगा। वहीं दूसरी पाली 15 से 19 जनवरी तक, तीसरी पाली 21 से 25 जनवरी और चौथी पाली 28 से 1 जनवरी तक चलेगी। आदेश में कहा गया है कि इससे 2 योग शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। योग प्रशिक्षण में 1,217 बेंच संचालित किए जाएंगे। इस अभियान में 1,18,65,750 रुपए भी खर्च होंगे। बच्चों को प्रशिक्षण के बाद आयुष विभाग की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि योग से जुड़ने का यह अभियान जनवरी में स्कूल की छुट्टी के बाद शुरू किया जाएगा। 17 मामलों में आरोपी और 15 लाख का इनामी नक्सली अमन गंजू ने किया सरेंडर, कहा यह रास्ता ठीक नहीं। कोयल संघ जोन के शीर्ष नेता अरविंद जी की मौत के बाद संगठन का जिम्मा संभाल रहे माओवादी कमांडर अमन गंजू ने बुधवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर लातेहार और गढ़वा जिले के अलग अलग थाने में 17 मामले दर्ज हैं। गढ़वा में 10 और लातेहार में 7 मामले दर्ज हैं। अमन गंजू पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए और NIA ने 4 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। वह झारखंड के लातेहार लोहरदगा गुमला के इलाके में सक्रिय था। उसने झारखंड पुलिस और CRPF की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। झारखंड में तैयार किए जाएंगे बिरसा किसान, कृषि विभाग की है तैयारी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि 3 साल में कृषि विभाग 30 लाख किसानों तक पहुंच गया, अगले 2 साल में और 28 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 5 साल के कार्यकाल में सरकार 58 लाख बिरसा किसानों की फौज तैयार कर लेगी। इसमें हर किसान को कुछ न कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभाग काम कर रहा है। इसके लिए नई तकनीक का उपयोग हो रहा है, इससे बार बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों की भी पहचान हो जाएगी। श्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को कृषि विभाग की ओर से आयोजित रवि कर्मशाला का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में बोले राज्यपाल रमेश बैस, योजनाएं तभी सफल जब लोगों को मिले लाभ। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना आवश्यक है। सरकार की नीतियां और योजनाएं तभी सफल हो सकती है जब इसका लाभ सबको मिले। इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाकर सही नीतियां बनाने की जरूरत है। हर नागरिक को देश और राज्य के विकास में हिस्सा लेने की आवश्यकता है। राज्यपाल श्री बैस ने मंगलवार को DSPMU सभागार में शुरू हुए 3 दिवसीय द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 105वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर उक्त बातें कही। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।